TV shows, blockbuster movies and originals. Download the app now. मम्मा दोनों बनी आई। अरे सालिका कहाँ लेके जा रही हो? Sit down, surprise. Happy birthday, मम्मा. Happy birthday, papa. तू नज़म नज़म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख़ाब ख़ाब सा तेरी। Happy birthday, साहिल. काश ये तारीख में अपनी जिंदगी से हटा सकता। आपके आ जाने से की अगली कड़ी में देखिए, इतनी रात को किसका फोन आ सकता है? आर्या, हेलो आर्या, 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 तुम्हारे फ्लाइट 10 बजे का है। हेलो, मैं आर्या आ रही है ना 5 साल के बाद अमेरिका से। अरे वेदिक, आप फोन बंद कर। साहिल को भनक भी पड़ गई ना तो बवाल हो जाएगी। किस्मत को नामंजूर था जो फैसला, क्या होने लगी है उस इश्क की दास्तां पूरी? जो वेद है वेदिका और साहिल के प्यार की निशानी, क्या अब वही करेगा पूरी इन दोनों की अधूरी प्रेम कहानी? आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। पापा, नाम क्या है आपका पापा का? साहिल अग्रवाल। मेरू बेटा, किससे बात कर रहे हो आप? अगर वेदिका वापस आती है तो उसे कोई ये बात नहीं बताएगा कि ये बच्चा उसका है, पर ये राज सिर्फ हम तीनों के बीच रहेगा। हम तुझको चेतावनी देने आए हैं। 5 साल हम चुप रहे लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। तेरी बेटी का वो हश्र करेंगे जिसके लिए तू खुद जिम्मेदार होगी। वेद, वेद कहाँ हो तुम? किसी ने वेद को देखा क्या? साहिल, क्या हो? तुमने वेद को कहीं देखा क्या? हेलो, अगर बड़ी अम्मा का शक सही हुआ तो वेदिका दी को पता चल गया कि वेद उनका और वो वेद को ले गई हो, और वेद कभी वापस नहीं आएगा। सही कुछ करो प्लीज, ढूंढो मेरे बच्चे को। हेलो, आपके आ जाने से की अगली कड़ी में साहिल और वेदिका होंगे फिर एक बार आमने सामने। लेकिन 5 सालों की कड़वाहट को भुलाकर क्या साहिल अपना लेगा वेदिका को, या बड़ी अम्मा के जाल में फंसकर मान लेगा वेदिका को गुनहगार अपने ही बेटे के अपहरण का? 2 ही मिनट बात करनी है हमें उसे बस ये फोटो दिखानी है। अरे मेरा बेटा ये फोटो नहीं देखेगा, मेरे बेटे को परेशान मत कीजिए। वो वेद को मुझसे छीन तो नहीं लेगी? वादा करो साहिल, तुम मुझे वेद से कभी अलग नहीं करोगे। क्या भूमि की बात का मान रखने की खातिर छुपा लेगा साहिल वेद की सच्चाई वेदिका से? जानने के लिए देखते रहिए आपके आ जाने से। अरे आप तो वही हो ना जो उस दिन मुझे दरगाह पे मिले थे। आप यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? मेरी मम्मा अंदर है। आपको मम्मा से मिलना है, मैं मिलवाऊँ मम्मा से? साधिका वेदिका की ही बेटी है, जानकर क्या प्रतिक्रिया होगी साहिल की अब? मामा। क्या वेद और साधिका के असली माँ बाप के राज से उठ जाएगा पर्दा? जानने के लिए देखते रहिए आपके आ जाने से। मेरे पापा इंडिया से बाहर है। मम्मा ने कहा जब मैं बहुत छोटी थी तब वो यहाँ आए थे, पर मम्मा ने कहा हम उनसे मिलने जाएंगे, है ना मामा? तुम उनसे ही मिल रही हो बेटा। काश मैं तुम्हें बता सकती साहिल कि ये तुम्हारी बेटी है। काश मैं तुम्हें सब बता सकती। मेरे डोनर का नाम साहिल अग्रवाल। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई थी। उस दिन मुझसे फाइल एक्सचेंज हो गई थी। अगर अपने इस बच्चे की जान प्यारी है तो साहिल अग्रवाल से दूर रहना हमेशा, वरना बच्चा भी मरेगा जान भी जाएगी।
कौन है, कौन है वहां पर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तू प्लीज जा यहाँ से। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे 20 घंटे की जर्नी करके आया हूँ मैं यूएसए स्पेशली तुम्हारे लिए। और इस डर में कि हमें कोई यहाँ देख लेगा, नॉट हैपनिंग। सो कम सिट एंड रिलैक्स। क्यों आर्या, बहुत रात हो चुकी है, सुनो मो फोन। ओके यू डोंट वरी, गुड नाइट, सो जाना। क्या फैमिली है यार तुम्हारी, फुल ऑन मेलो ड्रामा। इतनी टेंशन में क्यों? कहाँ रह गया साहिल? पुलिस स्टेशन से तो अब तक आ जाना चाहिए था उसे। 5 साल बाद वेदिका फिर एक बार आई है साहिल के घर। सर, क्या हुआ? मेरे घर आया था। लेकिन क्या इस बार भूमि का डर हो जाएगा सच जब छिड़ेगी वेद की बात? थैंक यू भूमि, तुमने 5 साल सिर्फ साहिल का ही नहीं आर्या और वेद का भी ख्याल रखा। जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से। प्रीता को अगर मेरे खिलाफ बयान देना ही होता ना तो अभी तक दे चुकी होती। कि जो पृथ्वी है ना, इसने उसकी मॉम को इतना डरा दिया कि उसने साफ साफ मना कर दिया प्रीता को ना ही पुलिस स्टेशन जाने देंगी और ना ही किसी लूथरा से मिलने देंगी। ये रहा उसकी गाड़ी का नंबर। एक्चुअली हम जब मार्केट से निकल रहे थे ना तो दी ने मोनिशा को देखा। वो तुम्हें जान कैसे बुला सकते हैं? क्या? हाँ, कुछ नहीं, मैं पूछ रहा था कि वो तुम्हें जान बुला कैसे सकते हैं? तुमने उसे हक दिया क्यों? आप ये मैं कुछ और पूछने आया था, लेकिन अब यही पूछूंगा कि वो तुम्हें जान बोल कैसे सकता है? वो तो मैं तुम्हें बुलाया करता था, उसमें सिर्फ मेरा हक था ना। तुमने फिर मेरी यादें किसी और के साथ शेयर की। कल देखिए कलीवे के रुकावटलेस एंटरटेनमेंट एपिसोड में। किसनी के साथ तेरी शादी का मेरा फैसला बिल्कुल सही था, विवान के साथ नहीं। जल्दी तैयार हो जा, रश्मियों का टाइम शुरू होने वाला है। पर पापा जी, मैं और विवान। आपको वार्ड बॉय मिश्रा का खून करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हमने मिश्रा की जान नहीं ली, हम तो ये सबका फैसला अदालत में होगा। पापा, हमने कुछ नहीं किया है, माफ की जा रहा है। हम किसी के जान कैसे दे सकते हैं? ये चलो नहीं, अब छोड़िए हमें। अम्मा, अम्मा।